सो गाइस आज की वीडियो में आप लोग के लिए लेके आ गया हूं नॉर्मल सी भी कंसेप्ट फोटो एडिटिंग, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल इजी स्टेप में इस फोटो एडिटिंग को सिखाने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो 100% यार इस तरह से फोटो एडिटिंग सीख जाओगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसा कि यहाँ से हम मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं, और मैं एक और बात बता दूं कि आज की एप्लीकेशन हम लोग टूलविज एप्लीकेशन से फोटो एडिटिंग करने वाले हैं, जो कि आपको यह एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिल जाएगी। आप जाके वहीं से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आपको कुछ एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगी। तो यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ ये प्रो एडिटिंग पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको गैलरी को ओपन करना है। तो फॉर्म अदर ऐप्स पर क्लिक करना है, ये रहा इसमें क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से आपको गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ से हम ट्री डॉट पर आ जाते हैं। एंड यहाँ से हमारा ये रहा, तो यहाँ से हम मॉडल को सेलेक्ट करते हैं। आप भी अपनी मॉडल को सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये रहा मॉडल, ठीक है। तो देख लीजिए आप टूलविच का टूल बार कुछ इस तरह से है। इसमें काफ़ी सारा टूल्स वगैरह दिखाई देगा। तो हम सबसे पहले ये जो मॉडल का टी शर्ट है, टी शर्ट कलर, उसको चेंज करेंगे, ठीक है। अब चेंज कैसे करें, तो उसके लिए यहाँ से आपको क्या करना होगा, ये जो टूल्स दिया है मैं आपको रोटेट करके दिखा देता हूँ, बट इसमें रोटेशन मतलब अलाउ नहीं है, ठीक है। इस एप्लीकेशन में अलाउ नहीं है रोटेशन करना, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको नहीं कर पा रहा हूँ रोटेशन। तो उसके बाद यहाँ से आपको टूल्स पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको एक ब्लेंडिंग मिक्सर का एक ऑप्शन मिलेगा, ये रहा, इसमें क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से आपको माई फोटो पर क्लिक करके एक पीएनजी बोलता हूँ सॉरी, ब्लू कलर का एक बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है, जो कि आपको ब्लू कलर का बैकग्राउंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाके वहीं से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको ब्लेंडिंग मिक्सर पर क्लिक करके कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना होगा, ये जो ओवरली करके दिया है इसमें क्लिक करना है। एंड ओवरली पर क्लिक करने के बाद आपको एक और ओवरली मिलेगी, ठीक है, जो कि आपको नीचे में मिल जाएगी, ये रहा, इसमें क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना होगा, ये जो फेस वगैरह में इफेक्ट पड़ जा रहा है उसे रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए यहाँ से आपको मास्क पर क्लिक कर देना है। एंड इसमें क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आप रिमूव कर सकते हो। अब रिमूव करने के बाद इसे राइट कर देंगे, ठीक है। अब राइट करने के बाद दोस्तों हम ये जो मॉडल का बैकग्राउंड है वो भी अच्छा नहीं लग रहा है, अब बैकग्राउंड को चेंज करेंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए यहाँ से आपको फिर से टूल्स पर आ जाना है। एंड यहाँ से आपको बैकग्राउंड आप दो टूल्स से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, मतलब दो टूल्स से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, एक मैजिक कटआउट है और एक ब्लेंडिंग मिक्सर है। ब्लेंडिंग मिक्सर से आप बैकग्राउंड चेंज करोगे तो फोटो का क्वालिटी कम नहीं होगा, तो हम ब्लेंडिंग ही मिक्सर से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप फिर से माई फोटो पर क्लिक करते हैं, उसके बाद इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर से यहाँ से ब्लेंडिंग मिक्सर पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ से कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं। अब देख लीजिए मॉडल पूरी तरह से ढक गया है। तो हम मास्क पर फिर आ जाते हैं। एंड इरेजर पर आते हैं, कुछ इस तरह से इरेज कर देते हैं। अब इरेज करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा बचा है। अब देख लीजिए बैकग्राउंड को भी चेंज कर लिए, अब इसके बाद इसे राइट कर लेंगे, ठीक है। राइट करने के बाद यहाँ से हम जो टी शर्ट का कलर एंड बैकग्राउंड का कलर बढ़ाएंगे, तो उसके लिए यहाँ से आपको क्या करना होगा, फिर से टोनिंग पर क्लिक करना है, ठीक है, ये रहा टोनिंग का ऑप्शन। एंड टोनिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको नेचुरल सैचुरेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक कर देना है।
उसका जैसे सेचुरेशन को कुछ इस तरह से बढ़ा देना है, फिर राइट कर देना है। अब फेस को ग्लो करेंगे, तो फेस को ग्लो करने के लिए आपको स्क्रॉल करना है एंड यहाँ से आपको एक पोर्ट्रेट टूल मिलेगा, इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको फेस ट्यून पर क्लिक कर देना है। टूल विज एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आपको ऑल टूल्स दिया रहता है, ठीक है, तो जिसकी जिससे आप अपने पिक को काफ़ी अच्छी तरह से फोटोडिंग कर सकते हो, जैसा कि अभी कर रहे हैं हम। यहाँ से पहले फेस को ग्लो कर देते हैं, अब इसे राइट कर देते हैं। अब राइट करने के बाद यहाँ से हम फोटो में ऑयल पेंट डालेंगे, तो ऑयल पेंट मतलब ऑयल पेंट देने के लिए यहाँ से आपको एक इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। अरे यार सॉरी, सेव हो गया फोटो गलती से, तो हम बैक कर लेते हैं। तो ये रहा इफेक्ट का ऑप्शन एंड यहाँ से आपको सॉफ्ट स्मूथ पर क्लिक कर देना है, फिर उसके बाद टू नंबर पर क्लिक करके राइट कर देना है। तो देख लीजिए पिक काफ़ी अच्छी तरह से बन चुकी है। अब इसे सेव करने के लिए यहाँ से आपको मेमोरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ये रहा मेमोरी का ऑप्शन एंड यहाँ से आप सेव कर सकते हो। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।